Hello friends, welcome once again. This is continuation of previous lecture. In this lecture, I am explaining ribbon in detail as this bar have those tools which are used frequently while drafting. I know introduction part is going little bit lengthy, but it will be beneficial for you during practice session. I suggest you to pause video and read it carefully if possible. Note down. This will help you a lot. Namaskar dosto, aap logon ka ek baar fir se swagat hai. Ye pichle lecture ka continuation part hai. इस लेक्चर में रिबन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। मैं रिबन पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें सारे टूल्स हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसको रोक के वीडियो को यहीं पर एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और अगर पॉसिबल हो तो इसके नोट्स बना लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिबन के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है होम का। होम basically it contains draw, modify, layers, annotation, block, properties, groups, utilities, clipboard and view panels. Some panels may be displayed as collapse depending on the screen resolution. Home button के अंदर हमारे ribbon के अंदर जो home button है उसके अंदर हमारे सारे जो commands होते हैं draw की, modify, layers की, annotation, block और ये सारी commands उसमें available होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं ribbon की बात करता हूँ तो ये मेरा ribbon है, ये पोर्शन मेरा। देखिए पहले बात है हमारी होम बटन की। होम बटन पे हमारा क्या क्या है? ड्रॉ है। इस ड्रॉ के सेक्शंस पे हम जितनी भी लाइंस है हमारी, लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉली लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल है, आर्क है या रेक्टेंगल है, जो भी हमारा, ये हमारा होम बटन है। होम के बाद हमारी मॉडिफाई कमांड है। मॉडिफाई पैनल या मॉडिफाई कमांड में हम अपने ड्राफ्टिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एनोटेशन है कि हमें टेक्स्ट डालना है, डायमेंशन डालना है, नीलियर है, लीडर बनाना है या फिर हमें मार्किंग करना है कैसे, या टेबल हमें इंसर्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें आपकी एनोटेशन के अंदर। उसके बाद आपका लेयर्स है। लेयर्स में हम जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें लेयर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपनी प्रोसेस को या अपने एक पार्ट को बार बार रिपीट ना करना पड़े किसी एक कमांड को, तो हम वहाँ पर लेयर कमांड को यूज़ करते हैं। तो आपका होम के अंदर आपका एक लेयर भी आता है। उसके बाद आपका क्रिएट है, ब्लॉक है जिसमें आपका क्रिएट है, एडिट है या इंसर्ट करना है हमें कोई चीज़, या ड्राफ्ट करना है या हमें कोई प्लॉटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप लेयर की प्रॉपर्टीज़ या मैच प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। यूनिट मेजरमेंट है आपका मेज़र करने के लिए कि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो ये हमारा यूनिट मेजरमेंट है। ये बेसिक आपका होम है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे बताया इंसर्ट। इंसर्ट ग्रुप, ब्लॉक एंड रेफरेंस पैनल्स एज वेल एज पॉइंट क्लाउड टूल्स, इंपोर्ट कमांड्स एंड सीरीज ऑफ कमांड्स फॉर वर्किंग एंड नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, डाटा लिंक्स एंड ज्योग्राफिक डाटा। ये हमारा इंसर्ट बटन है रिबन के ऊपर, जिसमें हमारी कई सारी ब्लॉक है, जैसे अभी पीछे देखा हमने एट्रीब्यूट ऐड करना है या उसमें एडिट करना है, कुछ भी करना है। उसके बाद हमारा ब्लॉक डेफिनेशन, ब्लॉक कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या है, कैसे है, मैनेज कैसे कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, ब्लॉक को एडिटर कैसे जो है इसके अंदर हम ब्लॉक को एडिट कैसे कर रहे हैं, नया ब्लॉक कैसे बना रहे हैं, ये इसके अंदर। फिर उसके बाद रेफरेंस है, हमने अटैच करना है, ये क्लिप है, एडजस्ट है, रेफरेंस हमें कहाँ से लेना है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर जो मैं बताना चाहूँगा, लोकेशन है। ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप इसमें सेट कर सकते हैं, जहाँ से फ्रॉम मैप है, फ्रॉम फाइल है, आप किस कंट्री में या कहाँ से बना रहे हैं उसके लिए है ये आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए। उसके बाद करते हैं एनोटेट। एनोटेट की, एनोटेट मीन्स एक्सपेंड ऑन ए मिनिमिस्टिक एनोटेशन पैनल्स ऑन द होम टैब विच मेनी मोर ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट, डायमेंशन, लीडर्स एंड टेबल्स एज वेल एज मार्कअप फंक्शन एंड न्यू एनोटेशन स्केलिंग टूल्स। प्लीज नोट डाउन या प्लीज अंडरलाइन द इट इज यूज फॉर इट्स हैज अ कमांड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट, डायमेंशन, लीडर्स एंड टेबल्स एज वेल एज मार्कअप फंक्शन एंड फ्यू एनोटेशन स्केलिंग टूल्स। दिस इज एनोटेशन। यहाँ पर एनोटेशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट हम एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना है, स्टैंडर्ड है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड है, एनोटेटिव है, हम जैसे चेंज करना चाहें टेक्स्ट है उसका डायमेंशन एंड डायमेंशन उसमें ऐड करना चाहते हैं। सिंपली कई बार हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन ऐड करना होता है तो ऐड करते हैं उसके लिए। उसके बाद सेंटर लाइंस हैं कि हमारी सेंटर लाइंस जो भी हम सर्कल बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमें एक पार्टिंग लाइन या सेंटर लाइन की जरूरत पड़ती है तो हम सेंटर लाइंस उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लीडर्स है, हम जब भी कोई डायमेंशन ऐड करते हैं तो उसमें एक हमें लीडर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें हम एरो के थ्रू मार्क करते हैं, उसे हम लीडर कहते हैं। ये सिंपल आपको एडिट कर सकते हैं। टेबल ऐड कर सकते हैं। रिविजन क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं इसको आगे बताऊँगा। उसके बाद आपका एनोटेटिंग स्केल, स्केल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद करते हैं पैरामेट्रिक की। पैरामेट्रिक सर्व एज अ होम बेस फॉर वन ऑफ द ऑटोकैड्स मोस्ट पावरफुल फीचर। यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक और डायमेंशनल पैरामीटर और कॉन्स्टेंट रूल्स ऑफ बिहेवियर टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। पैरामेट्रिक की हम बात कर रहे हैं तो
अगर हम टैब देखते हैं, पैरामीटर बेसिकली एक प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट या प्री डिफाइंड लॉ है या बिहेवियर है किसी ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग्स को, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको टाइम सेविंग के लिए और किसी दो ऑब्जेक्ट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या उनको एक कॉन्स्टेंट करने के लिए। सिंपल है, मान के चलिए मेरे पास दो सर्कल बनाने हैं, दो सर्कल जरूरी नहीं कि मैं एक सिंपल दो सर्कल बना रहा हूँ तो वो कंसेंट्रिक ही हो, तो मैं यहाँ कंस्टेंट से या पैरामीटर से, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वो दो कंसेंट्रिक होंगे या पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारा कंस्टेंट है। डायमेंशन हमारा लीनियर है, एंगल अलाइंड है या एंगुलर डायमेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंस्टेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो ये जिसको मैं धीरे धीरे आगे प्रोसीड करूंगा और आगे बताता रहूंगा। फ्रॉम हियर आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रिबन कमांड, एज इन माई व्यू these are not as much important, it is also a time consuming and boring procedure, therefore I am putting a full stop here, but suggest you to read it carefully for any confusion or query, comments below। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके आगे एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि बाकी कमांड्स मुझे, मेरे लिए या मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको इतना कहूँगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट लिखिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कुछ और कमांड्स के बारे में जान लेते हैं, या जिसे हम कहें कुछ और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि जैसे विंडो के अंदर जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं विंडो के अंदर, उसमें एक टूल टिप्स का कंसेप्ट होता है कि मीन्स आपको कोई प्रॉम्प्ट प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऑटो कैड के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, टूल टिप्स का एक कंसेप्ट है जिसके अंदर अगर आप पॉइंटर माउस को उस बटन के ऊपर ले जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट अगर उसको कुछ देर आप और रखते हैं वहाँ पर तो उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसे हम टूल टिप्स कहते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे। टूल टिप को समझने के लिए मैं होम बटन, होम स्क्रीन पर फिर से आ गया हूँ, आपका रिबन कमांड से होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। देखिए जैसे अगर मैं ड्रॉ पे आता हूँ माउस को अपने, तो सिंपली जैसे ही मैं लाइन कमांड पर लिख जाता हूँ माउस को, थोड़ी पहले ये छोटा सा एक आता है टूल टिप्स, उसके बाद ये टूल टिप एनलार्ज हो जाता है जहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ कि मैं इसको यूज़ क्या है कहाँ का। जैसे सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम देखते हैं कि लाइन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लाइन हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल एक तो स्टार्ट कमांड के लिए। अब जैसे मैं टूल टिप्स के लिए जैसे लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर पहले आपको छोटा सा टूल टिप दिखा, पर जैसे ही आप कुछ देर और रखते हैं इसके ऊपर आप टूल टिप जो है आपका इन्फॉर्मेशन एक्सपेंड करते हैं। इसमें सिंपल था, लाइन के बारे में बताया है कि क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उसके बाद जो उन्होंने एक्सटेंड किया है वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया। अब सिंपल मैं पॉली लाइन के ऊपर आता हूँ, पॉली लाइन पर सिंपल एक टूल टिप्स में क्रिएट 2D पॉली लाइन, और अगर ही अगर थोड़ी देर और रखता हूँ तो वो फिर एक्सपेंड होके मल्टीपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। ये आपका टूल टिप्स है। आफ्टर टूल टिप द एप्लीकेशन स्टेटस बार विच अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द ऑटोकैड स्क्रीन डिस्प्ले एंड अलाउ टू चेंज सेवरल इंपॉर्टेंट ड्राइंग मोड्स एड्स एंड सेटिंग दैट अफेक्ट हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट द करंट ड्राइंग। लेट्स सी हाउ इट्स। देखिए ये मेरा एप्लीकेशन स्टेटस बार है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ वो एक्टिव है या ना, जैसे ग्रिड मोड है ऑन है या ऑफ है, या स्नैप मोड है ऑन है या ऑफ है, या मेरा ऑर्थो मोड है। तो ये हमारी चीज़ें बताता है कि हमारे पास कितने स्पेशल फीचर्स या फिर स्पेसिफिक हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है अभी एक्टिव है या नहीं है। जैसे इस टाइम पर अभी ग्रिड मोड ऑन है, अगर मैं जैसे इसको ऑफ करता हूँ तो आपका ग्रिड पीछे से हट जाता है। ऐसे स्नैप मोड है, ऑन और ऑफ करने के लिए है। सिंपल आप देखिए इसे अगर ध्यान देते हैं, इसके कलर्स को चेंजेस हो रहे हैं इसमें कलर्स में। सिंपल पहले ग्रेइश कलर में, उसके बाद फिर आपका जैसे ही एक्टिव होता है वो आपका ब्लूइश कलर में इंडिकेट करने लगता है। इसके बाद करते हैं बात करते हैं अपने फंक्शंस की सी। फंक्शंस की हमारे ऊपर एफ कीज है, जैसे F3, F5, 7 एक्सेट्रा इस टाइप की हैं, जिसमें कि हम कई सारे चीज़ों को या कई सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स को या जो हमारे कई सारे हमारे फीचर्स हैं उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ग्रिड है, स्नैप है, ऑर्थो है, इन सारी चीज़ों को ऑन या ऑफ करने के लिए हम फंक्शंस की यूज़ करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई कमांड को सर्च कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो सिंपल उसके अंदर आप नीचे कमांड बार में आप सिंपल अपने कमांड्स को टाइप करिए, नाम लिख दीजिए, आपको अपने आप कमांड अपीयर हो जाएगी। देखते हैं कैसे। सिंपली मान के चलिए मुझे लाइन कमांड ड्रॉ करना है, मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, पर इसकी लाइन ये है। मैं यहाँ सिंपल कमांड बार में टाइप करता हूँ लाइन। देखिए जैसे मैंने लाइन कमांड टाइप किया मेरे पास ऑप्शन आ जाता है मुझे कौन सी लाइन चाहिए। लाइन मेरे पास आती है लाइन टाइप है, लाइन है, या फिर इस टाइप की चीज़ें। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, जैसे लाइन, सिंपल लाइन आ गया मेरा, मुझे सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, मैं सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर कोई कमांड आपको नहीं मिल रही है या आप उसका नाम जानते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं बट आपको मिले हैं, तो सिंपली आप कमांड बार में आप कमांड टाइप कर सकते हैं। ऑटोकैड में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो जरूरी है। ऑटोकैड दो तरह की ब्रैकेट्स यूज़ करता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक एंगल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपका कमांड ऑप्शंस के लिए होते हैं, जैसे ये है, इसमें आप देखेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। आप सिंपली अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये
आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट और ये आपका एंगल ब्रैकेट है, ये कमांड ऑप्शंस के लिए यूज होता है और ये आपके डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए है। तो इन चीज़ को ध्यान रखिए, ये शायद किसी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, जो मुझे लगता है ऐसा कि मैंने अभी तक किसी बुक्स में देखा भी नहीं है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम ड्राइंग सेटअप प्रोसेस की तरफ। लेट्स स्टार्ट अवर ड्राइंग सेटअप प्रोसेस। बिफोर वी स्टार्ट द ड्राइंग सेटअप प्रोसेस वी नीड टू मेक ओनली टू इनिशियल डिसीजंस और वी हैव टू आंसर ओनली टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट सिस्टम ऑफ मेजर मैट्रिक और इंपीरियल विल वी यूज, एंड क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट ड्राइंग यूनिट्स वी यूज। ड्राइंग सेटअप प्रोसेस से पहले हमें से दो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें यूनिट मेजरमेंट सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, मैट्रिक है या इंपीरियल है, और हमें यूनिट कौन सी यूज़ करनी है। ये दो क्वेश्चन का आपके आंसर मिलते ही आप हम आगे प्रोसीड करेंगे। मेजरमेंट सिस्टम पहले बात करते हैं हम मैट्रिक, जो हमें पहला क्वेश्चन उसका आंसर चाहिए हमें मैट्रिक या इंपीरियल। मैट्रिक सिस्टम आपका वो है जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली यूज़ किया जाता है और कई कंट्रीज़ ने इसे अब ड्रॉप इंपीरियल सिस्टम को ड्रॉप करके मीटर में ही मैट्रिक सिस्टम यूज़ किया। मैट्रिक सिस्टम में आपका यूनिट आपकी मिलीमीटर सेंटीमीटर या मीटर में होती है, उसके बाद आपका वेट जो होता है वो ग्राम में होता है और किलोग्राम में, और डिस्टेंस या टाइम जो डिग्री में सब टाइम है सेकंड्स में, और डिग्री आपका जो एंगल है वो डिग्री के अंदर होता है। ड्राइंग यूनिट्स हमारी बेसिकली है कि हम यूनिट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यूनिट हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सा है कि हमारे ऑटोकैड में बहुत सारी फ्लेक्सिबल यूनिट्स हैं। सिंपल हम यूज़ करना चाहते हैं फीट या इंचेज यूज़ करना चाहते हैं बिल्डिंग के लिए, या हम डेसिमल सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं पॉइंट के बाद कुछ 0.0 इस टाइप के सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हमारे साथ यूनिट्स के अंदर हैं फ्लेक्सिबल। बट एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा क्या है, ये वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। फ्रॉम हियर लेट्स बिगिन टू सेट यूनिट्स इन ऑटोकैड। यू कैन रीड दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर इन ऑटोकैड। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट केयरफुली। सेटिंग कैसे करना है मैं आपको आके ऑटोकैड के स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए इसे वीडियो को रोकिए और यहाँ पर इसे पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। लेट्स बिगिन विद स्टेप बाय स्टेप टू सेट यूनिट्स। एप्लीकेशन मेनू पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग यूटिलिटीज़ में आइए। यूटिलिटीज़ में आने के बाद आप यहाँ पे यूनिट्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ड्राइंग यूनिट्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें आपकी कई सारी चीज़ें हैं। आपके लेंथ है, यहाँ पर आपको लेंथ दिखेगा, एंगल दिखेगा, इंसर्शन स्केल दिखेगा और लाइटनिंग दिखेगा। लेंथ में आपका क्या है, आपके लेंथ में आपका आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक, हम कौन सा मोड यूज़ करना चाहते हैं लेंथ में, या फिर हम किस चीज़ के, जैसे आर्किटेक्चरल है, आर्किटेक्चर में हम इंच और फीट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इन आर्किटेक्चरल यूनिट लेंथ, इन आर्किटेक्चर वी यूज लेंथ इन इंचेस एंड फीट्स, इन डेसिमल यूनिट वी यूज द प्रिसीजन ऑफ पॉइंट आफ्टर 0 पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपल है, प्रिसीजन में है कि हमें कितने आफ्टर डेसिमल हमें कितना प्रिसाइज चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए हमें, तो हम प्रिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद डेसिमल के बाद आपका इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में आपका डिग्री मिनट और सेकंड्स का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर प्रिसीजन के लिए। उसके बाद आपका फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में हम 1/2, 1/4, 1/6 इस टर्म में यूज़ करते हैं सिंपल। उसके बाद आपका साइंटिफिक है, साइंटिफिक्स में आपका रीज़न क्या है कि हम ई के टर्म्स में पावर यूज़ करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 10^99, 10^-99, 10^11, हम इसलिए इसको साइंटिफिक, पर जनरली हम इसमें डेसिमल यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेसिमल यूनिट यूज़ करूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल की। एंगल में आपका सिंपल है कि डेसिमल डिग्री, हम डिग्री में यूज़ कर रहे हैं या फिर डिग्री मिनट सेकंड्स में, तो जनरली ग्रेडियंस भी हैं, रेडियंस भी हैं, सर्वेयर्स यूनिट्स भी हैं, इसके बारे में आप ये आगे वाले इस नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर क्या है, मैं इसको अभी वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। जनरली हम यूज़ करते हैं डेसिमल डिग्रीज के अंदर। प्रिसीजन आपका अगर जीरो है तो आप उसको क्या कहते हैं, डिग्री है, रेडियंस, मिनट, सेकंड, इसमें आप प्रिसीजन की देखते हैं। इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है कि जब भी हम डिग्री मेजर करते हैं हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हमारा 30 डिग्री क्लॉकवाइज के टर्म्स में हो जाएगा वो आपका 90 से कम हो जाएगा। वही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, इसको ज़्यादा इसके साथ चेंजेस नहीं करते हैं। इंसर्शन स्केल आपका क्या हो सकता है, इंसर्शन स्केल है कि आपको इंचेस में चाहिए, फीट में चाहिए, यूएस सर्वे फीट माइल्स में चाहिए, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर्स में। जनरली हम जो ड्राइंग यूज़ करते हैं या जैसे मैकेनिकल है उसमें हम ड्राइंग यूज़ करते हैं मिलीमीटर्स में, इलेक्ट्रिकल में मिलीमीटर्स में यूज़ करते हैं, बट जैसे ही हम आपका आर्किटेक्चर में जाते हैं वहाँ पे फिट इंचेस में चला जाता है, फिट में जाता है, और वही अगर हम सर्वे में जाते हैं वो मीटर किलोमीटर इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं मिलीमीटर इंसर्शन यूज़ कर रहा हूँ। लाइटनिंग में इसको स्पेसिफाई करने के लिए या इसको सिंपल इसको
डिफॉल्ट वैल्यू ही इसकी सेलेक्ट करते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं इसका। इसको ओके करिए, आपका यूनिट सेलेक्ट हो गया है। यूनिट सेलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है अगर वहाँ नहीं समझ में आया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए, आपको लास्ट स्टेप तक आपको यूनिट सेट करना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है लेंथ यूनिट के बारे में जो चीज़ें मैंने बोल रहा था उसमें थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको पढ़ के वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मोर नॉलेज अबाउट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेंथ यूनिट देन पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस केयरफुली, इफ पॉसिबल मेक नोट्स फॉर दिस। सेम हियर फॉर द एंगल यूनिट टाइप्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड दस मेक पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट केयरफुली एंड मेक इट मेक पॉसिबल एंड मेक नोट फॉर दिस। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ऑटो कैड जो होता है आपके कंट्री से ऑटोमेटिकली अपने आप को मेजरमेंट सिस्टम सेट कर लेता है। जब भी हम ऑटो का इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम कंट्री या रीजन सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो आपको अपनी कंट्री के जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट सिस्टम सेलेक्ट कर लेता है या फिर सेट कर लेता है। अब बात करते हैं एक पेज सेटअप की। पेज सेटअप सिंपली आपका एक सेटअप है जिसमें हम आपके एक ड्राइंग या पेज को एक डिफाइन कर देते हैं कि हमारा पेज का साइज़ जो है इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। सिंपल मैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मैं अगर पेज मान लेता हूँ, एक मेरा पेज ये है या ये पेज है, ये मेरे चार कॉर्नर्स हैं। ऑटो कैड आपका पेज के डायमेंशन जो है डायगनली मेजर करता है इस डायरेक्शन में। सिंपल ये आपका एक लोअर पॉइंट हो जाता है, ये जिसे लोअर पॉइंट कहा जाता है ये अपर राइट पॉइंट कहा जाता है। अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ, लिमिट्स कमांड हमारी जो है वो पेज के साइज को ही डिफाइन करती है, पेज को डिफाइन करने के लिए होता है। सेटअप एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ड्राइंग टाइप लिमिट्स इन द कमांड बार प्रेस एंटर, सेट एन इनविजिबल रेक्टेंगुलर बाउंड्री इन द ड्राइंग एरिया दैट कैन लिमिट द ग्रिड डिस्प्ले एंड लिमिट क्लिकिंग और एंटरिंग पॉइंट लोकेशन। हाउ टू प्रॉम्प्ट टू डिस्प्ले स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, सबसे पहले आपका आएगा लोअर। अगर मैं ये पेपर में कंसीडर कर लेता हूँ, ये पेपर है, सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना है, फिर उसका पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, फिर मुझसे ये कॉर्नर पूछा जाएगा स्पेसिफाई करिए, क्योंकि इन डायरेक्शनल की वजह से आपका पेपर एक सेट कर दिया जाता है। इसके पेपर सेट करने का रीजन क्या होता है कि आप ऑटो कैड का जो डिस्प्ले एरिया है बहुत बड़ा है, हम इसके ऊपर 10^19 तक का सर्कल इस पर ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस। अगर इस रेडियस का अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं इस पर ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मुझे डिस्प्ले करना है कि मेरे पर मेरी शीट इतनी बड़ी नहीं है, तो मुझे एक शीट के अंदर उसे डिस्प्ले करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैं अपने आप पेपर की एक लिमिट सेट करता हूँ। आइए देखते हैं लिमिट कैसे सेट की जाती है। पहले यहीं से एक बार देख लेते हैं कि लिमिट्स क्या हैं। जब भी हम कमांड लाइन में लिमिट्स कमांड टाइप करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे, मॉडल स्पेस स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जो आपका नीचे वाला ये वाला कॉर्नर होगा जिसको वो बोलेगा कि इसको आप स्पेसिफाई करिए। आपने यहाँ से ऑन ऑफ करके स्पेसिफाई कर दिया। 00 का मतलब है कि ये हमारा, अगर मैं इसको ओरिजन करता हूँ, ये ओरिजन मेरा 00 है, तो 00 का मतलब हो गया कि हमारा लोअर कॉर्नर जो है यहाँ पर रहेगा। बट अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं 10 और 10 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा x एक्सिस पे 10 यूनिट और y एक्सिस पे 10 यूनिट, तो जो ये मेरा पॉइंट बनेगा ये वाला, मेरा लोअर पॉइंट यहाँ से होगा और अपर पॉइंट मेरा फिर ये वाला होगा जहाँ से मैं मेजर करता हूँ। ये चीज़, ये मेरा लोअर पॉइंट होगा, वैक्स और y के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 10 यूनिट इधर होगा और 10 यूनिट यहाँ पर होगा। देखिए मैं लिमिट कमांड्स एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिमिट कमांड एंटर किया, उसके बाद टाइप किया, उसके बाद मैंने एंटर किया, उसने सबसे पहले मुझसे चीज़ पूछी कि आप अपना लोअर लेफ्ट कॉर्नर डिफाइन करिए। मैंने जैसे सिंपली डिफाइन किया 10, 10 मींस एक्स यूनिट में 10, एक्स एक्सिस में 10 यूनिट्स और वाई एक्सिस में 10 यूनिट, मैंने इसको एंटर प्रेस किया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि स्पेसिफाई अपर लेफ्ट अपर राइट कॉर्नर। मैं अगर मुझे चाहिए 100 का, अगर मुझे 100 की जैसे mm की या 100 सेंटीमीटर की जो मैंने यूनिट डिफाइन की है, 100 यूनिट का मुझे एक स्पेस एरिया चाहिए, तो मैं 00 पे शुरू करता हूँ और डायगनल मेरा ऊपर जाके वो 10 पहुँच जाता है। बट मैंने 10 से शुरू किया, मींस मुझे 10 उस पर अपर लिमिट पे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं 110 ऐड कर रहा हूँ एक्स और वाई में, अपर लिमिट डिफाइन कर रहा हूँ अपर राइट कॉर्नर जो 110 डिफाइन कर रहा हूँ। आप देखिए, इसके बाद मैं जूम करता हूँ, जेड कमांड जूम ऑल कमांड, तो अब जो मेरा स्क्रीन बन के आया वो जो मैंने साइज डिफाइन किया है वो चीज आई है जो मेरे को लिमिट मैंने फिक्स किया है। स्नैप और ग्रिप कमांड ग्रिड कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसका एक शॉर्ट की समझ लीजिए। स्नैप के लिए हम F9 यूज करते हैं और ग्रिड के लिए F7। स्नैप को ऑन या ऑफ करने के लिए F9 जो फंक्शन की है हम उसे यूज कर सकते हैं और ग्रिड को
ऑन ऑफ करने के लिए F7 जो है उसे यूज करते हैं। जब भी हम इसको ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं, ड्राफ्ट सेटिंग हमारी कुछ इस टाइप की आती है स्नैपर ग्रिड की। आइए देखते हैं दोनों में फर्क क्या है स्नैपर ग्रिड में। पहले बात करते हैं हम ग्रिड की। ग्रिड के लिए हमारा क्या था, F7 की मैं प्रेस करता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रिड मेरी बंद हो चुकी है, ग्रिड ऑफ कर दिया मैंने। F7 पे ग्रिड ऑफ हो गई है। ग्रिड ऑफ होने का मतलब क्या होगा, जो आपके इस एरिया में जितने भी आपको एक ग्रिड दिख रही थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो अब आपको नहीं दिख रही है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिख रही थी, वो अब आपको नहीं दिख रही है। जैसे ही मैं F7 को दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ग्रिड ऑन हो गया। ग्रिड ऑन होने का बेनिफिट क्या है हमारा कि ग्रिड ऑन होने के बाद हमारा सबसे पहला बेनिफिट है कि देखिए आपको एक इजी एक्सेस मिलता है कि आपको जो बिगिनर्स हैं फ्रेशर्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। सिंपल सी बात है, जो हमारे बड़े स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये हमारे मेजर ग्रिड हैं, और इन बड़े स्क्वायर्स के अंदर जो एक छोटी स्क्वायर्स हैं ये हमारे माइनर ग्रिड्स हैं। सिंपल अगर आप इसको ग्रिड को समझे तो किसी ड्रॉइंग के नीचे चार्ट पेपर रख के हम अगर किसी चार्ट पेपर नहीं ग्राफ पेपर रख के अगर हम किसी को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हमारे काम करना आसान होता है। तो ग्रिड हमारा एक सिंपल ग्राफ पेपर की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक आपकी जो स्नैप के लिए है। स्नैप के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं F9 कमांड। और जो मैं यहाँ से F9 मोड को ऑन करता हूँ, यहाँ पहले स्नैप कमांड मेरी ऑफ थी, अब मैंने ऑन कर दिया। अब स्नैप को प्रॉपर समझने के लिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको एक चीज़। मैं जूम कर रहा हूँ इसको, और ये मेरी जो है ये बड़े वाला मेरा मेजर एक्सिस मेजर ग्रिड है और ये छोटा स्मॉल ग्रिड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा स्नैप ग्रिड अभी ऑन है, मैं सिंपल एक कमांड बना रहा हूँ। तो स्नैप में क्या, जब भी ऑन होता है तो आपका नियरेस्ट पॉइंट जो है, नियरेस्ट कॉर्नर जो है, ये वहाँ की तरफ अपने आप को ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है, जो भी आपका नियरेस्ट पॉइंट है। बट अगर मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूँ, जैसे सिंपल है मैं दोबारा लाइन आपको एक बना के दिखाता हूँ। जैसे इसी लाइन पे मैं बनाता हूँ स्नैप, तो ये जो भी है नियरेस्ट, मैं माइनर ग्रिड के बीच में नहीं बना पा रहा हूँ। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, हमेशा सबसे नियरेस्ट कॉर्नर जो होगा उस पर एडजस्ट कर लेता है। बट जैसे ही मैं स्नैप को ऑफ करता हूँ, सॉरी ग्रिड है ये, स्नैप को मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, सिंपल स्नैप को यहाँ से ऑफ किया स्नैप मोड। अब मैं जब भी कोई ड्राइंग करूँगा मैं माइनर एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइन को बना सकता हूँ, रोक सकता हूँ। ये जो फ्रेशर्स या बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है काम करने के लिए स्नैप मोड पे, कि हम नियरेस्ट पॉइंट पे हम काम करते हैं, जो नियरेस्ट जो हमारा एक्सिस है या जो भी उस पर नियरेस्ट कॉर्नर को वो कनेक्ट करता है। ये देखिए, जैसे मैं इस पर चाहूँ बनाना, तो अगर मैं नियरेस्ट पॉइंट पे अगर मैं चाहूँ करना तो नहीं कर सकता। बट जैसे मैं स्नैप ऑफ करता हूँ यहाँ से, वो सिंपल आपका कोई भी किसी पर भी लाइन में बना सकता हूँ। स्नैप ऑफ करता हूँ, कहीं पर भी किसी भी पोर्शन में आपको ले जा सकता हूँ मैं, कहीं पर भी, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी कॉर्नर में जाने के लिए। सो फ्रेंड, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। If not, please pause the video and read it carefully. If possible, make notes for this, which will helpful for you in future or during practice session. Thanks for now. This is the end of lecture. I hope you enjoyed it. Please subscribe channel and press bell icon to get latest notification. Thanks once again.